ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इसमें थोड़ा सा मतलब कि आपको थोड़ा कलर एडजस्टिंग का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो उसको मैं वीडियो में समझाई दूंगा। तो बाकी वीडियो कंप्लीट देख लेना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को मैं बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने बाद। एंड गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सबको जाना ऐड फोटो में, एंड आप सबको यहाँ पे अपने मॉडल को लेना है। एंड कुछ स्टेप्स में पहले यहाँ पे अपने मॉडल को रोटेट कर लेता हूँ। एंड कुछ स्टेप्स आप सभी को अपने मॉडल को नीचे की तरफ लगा लेना है, ठीक है, कुछ स्टेप्स लगा लेना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर इसमें करना क्या, थोड़ी सी इसमें ना मतलब सैचुरेशन इसकी थोड़ी बढ़ानी है, क्योंकि जो हमारा बल्ब ऊपर जो लगा हुआ है ना उसमें से कुछ ऑरेंज टाइप की लाइट आ रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, इफेक्ट में चलेंगे। यहाँ से इफेक्ट में जाने के बाद आपको कलर्स में जाना, फिर कलर्स में जाने के बाद आपको सैचुरेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको उसमें जाना है। फिर इरेजर टूल में जाना है, ब्रश को सिलेक्ट कर इरेजर टूल को सिलेक्ट करके उसके बाद आपको नीचे नीचे से थोड़ा इरेज कर देना है। एंड उसको यहाँ पर डन कर देना है। एंड उसको दोबारा डन करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी की फोटो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो अभी आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अभी पूरा काम हुआ नहीं है हमारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमने बल्ब का जो लाइट है हमने अपने ऊपर तो कर दिया है, अब उसके बाद आप सभी को यहाँ पर फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक विगनेट का पीएनजी मैंने आप सभी के लिए बनाया है, ठीक है। तो आपको इस पीएनजी का यूज़ करना है, तो उसको आपको कैसे यूज़ करना है, आप सभी को उसको फुल स्क्रीन कर देना है पहले, तो ठीक है, फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे कुछ लगा देना, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि जो आपकी फोटो है उसके मतलब कि जहाँ से ऊपर से जो बल्ब जल रहा है आपके बस ओनली आपके जो बॉडी है उसके ऊपर ही लाइट आ रही है, नीचे से जो है डार्कनेस आ रही है, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक सा लुक आएगा। तो यहाँ पे आप सभी को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना एक बार टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाना। एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, यहाँ से इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करके ब्रश को सिलेक्ट करें, साइज को थोड़ा छोटा करके, एंड उसके बाद फेस के ऊपर डोजन बन करना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड अगर फेस के डोजन बन के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, आपको डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को जाकर देख लेना, अच्छे से मैंने समझा रखा था, वहाँ से सीख जाओगे, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पर डोजन बन कर लेना अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड गाइस जो असली रिजल्ट हमारी इस फोटो का जो आएगा वो आएगा लाइट रूम ऐप में रीटच करने के बाद। तो गाइस वहाँ पे आप सभी को दिखाऊंगा मैं कि हमारा जो रिजल्ट है असली क्या आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले अच्छे से डोजन बन कर लेते हैं एकदम रियलिस्टिक तरीके से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा डोजन बन भी हो चुका है, तो अब क्या करना है आप सभी को, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मेरे ज़्यादा कर देता हूँ, वहाँ से मेरी इस कर लूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। एंड जो गाइस इसका अमाउंट आप सभी को अराउंड कुछ 5-7 तक रख देना है, ठीक है, अराउंड 7 तक कुछ रख देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को अपनी फोटो को सेव कर लेना है। यहाँ से बैक चलना है। बैक जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे अपने लाइट रूम ऐप ओपन कर लेना है, क्योंकि रिटेस्ट तो लाइट रूम ऐप में ही होगा, ठीक है। तो गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और यार वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। एंड चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे एंड उसको हम अपने लाइट रूम ऐप में ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके बाद आप सबको यहाँ पे थोड़ा कलर एडजस्ट करना, तो उसके बाद हम लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड जिसका गाइस थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है उसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, एंड जो हाईलाइट है इसका हम आगे की तरफ नहीं बढ़ा, हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है, हल्का सा बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद आपसे वो फिर क्या करना है, इसका जो मतलब कि ये शेडो है इसको कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी कम कर देना है, ठीक है। ब्लैक को कम कर देने के बाद आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जाना मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड गाइस बाकी तो आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ल्यूमिनस बढ़ाने की नहीं बढ़ाना, ठीक है। तो उसका जाना और येलो कलर में इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस ब्लू कलर को लेना, इसके सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर देना है। एंड यहाँ पे इसका काम तो गेट डन। एंड उसके बाद जाना गाइस आपको सेलेक्टिव टूल में प्लस पर क्लिक करना है, या थर्ड वाले ऑप्शन को लेना है। एंड कुछ स्टेप से आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। यहाँ पे आप सबको विगनेट एक्सपोजर जो यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी लुक में आ जाएगी हमारी फोटो। तो उसके बाद आपको प्लस पे अगेन क्लिक करके अपने सर्कल वाला ऑप्शन लेना है। एंड इसके ऊपर आप सबको यहाँ पे इसको लगा देना है, ठीक है, फेस से एंड लाइट से टच करके, ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक्सपोजर को थोड़ा हम बढ़ा देंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस हम जाएंगे यहाँ से हम थर्मामीटर वाला आइकन पे, एंड जो इसका ऊपर वाला टेम्परेचर इसको हम ये ऑरेंज टोन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो फोटो है उसका और लाइट जो ऊपर से आ रही है एंड जो हमारी हमारा मॉडल है उससे ये दोनों मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने यूज़ करा है। तो उसके बाद आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सबको सॉरी गाइस यहाँ पे इस पर क्लिक हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, आप सबको थोड़ा सा इसका साइज़ को जो है आपको थोड़ा मतलब कि बराबर में करना है, ठीक है। ऊपर की जो लाइट है और जो आपका मॉडल है इससे आपको इसको मैनेज करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से कर लेना जैसे कि मैं वीडियो में आप सबको दिखा रहा हूँ।
ऐसे कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर कम कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देते हैं। देखिए गाइस काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है हमारी फोटो में अब, तो उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना इस वाले ऑप्शन में एंड जो फोटो की क्वालिटी आप सभी को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देना है एंड फोटो में जो विग्नेट डालना है, ठीक है, फोटो में विग्नेट डालना है एंड उसके बाद आप सभी नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रीन अमाउंट पे लेगा उसको आगे की तरफ बढ़ा देना है, नीचे वाले टूल में जाना है, फोटो के जो शार्पनेस आप सभी को उसको बढ़ा देना है, जो नो डायरेक्शन आप सभी को उसको ही बढ़ा देना है एंड गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे कलर नो डायरेक्शन मिलेगा आपको उसको ही बढ़ा देना है एंड गाइस जो फाइनली हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो के बाद एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आपको एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, आप सभी को बताया था मैंने, तो लाइक जरूर कर देना एंड यार मेरे कमेंट बॉक्स में कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड।